काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो सकते थे, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम सरकार की नॉलेज में अपनी जो भी हमारी डिमांड है वो लाना चाहेंगे, उसके बाद तो प्रोटेस्ट के बगैर कोई चारा नहीं है। देखिए 2018 में, फरवरी 2018 में सरकार ने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया, जो भी मतलब अप्रोव किया कॉलेज पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसका तो जगह रखा गया था अशमुकाम, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड प्लेस था अशमुकाम। सब लोगों ने कहा कि ठीक है अशमुकाम में सारे लोगों के लिए, जैसे हम हापतनाड की बात करें, जैसे हम पहलगाम की बात करें, जैसे हम दुशनीपुरा की बात करें, खोड़ीपुरा की बात करें, सारे लोगों के लिए वहाँ जो एग्जिस्टेंस थी वो सही थी, क्योंकि लोग आ सकते थे वहाँ पे अशमुकाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो अभी तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वक्त आने पे उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी वोट बैंक और रंजिश की खातिर पूरे समाज को परेशान करवा रहे हैं। क्योंकि अगर कॉलेज दो सेशन हमारे पहले ही 2018-19-19-20 बर्बाद हो चुका है, तो मैंने उन लोगों से भी बात की जो भी जिनने कोर्ट में, उस ऑनरेबल कोर्ट में उस केस को लिया, फजूल में वो लोग तंग करवा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहलगाम की बात करें, आड़ों की बात करें, फुसलन की बात करें, या यहाँ इस इलाके की बात करें, सैकड़ों बच्चे, हंड्रेड्स स्टूडेंट्स रोज खनबल उनको जाना पड़ता है, बाकी जगहों पे जाना पड़ता है। जो दूसरे कॉलेजेस अप्रूव है वो अभी काम भी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि पहलगाम का कॉलेज काम नहीं कर रहा है, और उसमें हंड्रेड्स जो भी कर रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं। उन लोगों को भी हम आने वाले वक्त पर एक्सपोज करेंगे अगर वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। मैं खुद उनसे मिला, मैंने उन सभी लोगों से बात की, मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके आपका जो भी ये केस वगैरह वो इसको ख़त्म करवाए। हमें प्रॉब्लम नहीं अगर सिलगांव में होता था, अशमुकाम में होता था, पहलगाम में होता था, जो लोगों की ख्वाहिश है, जो लोगों की उमंग है, उस पे उसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। यहाँ पे मैं अशमुकाम के लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी रंजिश को ख़त्म करके इसमें आगे आइए, और जहाँ पे भी इसमें मसाइल है, आज मैं आपकी मीडिया की वसात से मतलब सरकार को कहना चाहूँगा, ऑनरेबल गवर्नर साहब को कहना चाहूँगा कि इसमें इंटरवीन करें। जो मैं हाल ही में मैं तलत साहब से मिला था, जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है, उसे भी मैंने बात की थी कि हम दो सेशन, तीन सालों से हम परेशान हैं, तीन सालों से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि क्यों इस कॉलेज को इस तरह से रगड़ाया जाता है, इस तरह से यहाँ के बच्चों को, यहाँ के मुस्तकबिल को ख़त्म किया जाता है। मैं उन पॉलिटिकल लीडर से भी, उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो होश के नाखून लें, इस तरह से आप नहीं चलेगा। जिस तरह से उनने इस इलाके का इस्तेमाल किया पिछले 70 सालों से अपने वोट बैंक के खातिर, हमें किसी चावल के स्टोर के लिए अब हम नहीं रह सकते जब तक हमारी एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हेल्थ नहीं होगा। और मेरी एक यहाँ पे एक गुजारिश है सरकार से, हमने जो हमने मेहनत की थी पहलगाम के लिए, जो हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी मंजूर करवाया, जो गवर्नर साहब ने किया था, जो सबका गवर्नर थे, उसमें भी अभी तक टेंडर नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी जो टेक्निकल सेंक्शन R&B डिपार्टमेंट को लानी है वो जल्द से जल्द लाए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम बाहर निकलेंगे, हम 70 सालों से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अशमुकाम को देखें, अगर हम सीर हमदान को देखें, अगर हम सलर को देखें, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की, लेकिन हम पहलगाम के लोगों को, यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के इनोसेंट लोगों को इनने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, और अब इस तरह से इनके दलालों की बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग समझ गए इनकी जो फितरत है इनकी। मैं आप लास्ट में यही कहूँगा कि जो कॉलेज को इनने 2 साल से 3 साल से जो सरकार ने मंजूर किया था, कोर्ट में रगड़ा के रखा, बंद करके रखा, उसको ये छुड़वाए, क्योंकि इस तरह से आप नहीं चलेगा हमारे लोगों के लिए। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपकी मांग जो है वो अगर नहीं सुनी तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मांग तो मैंने पहले कहा, जंग आमद बद तंग आमद बद जंग आमद, हम तंग आ गए हैं, हम लोग बाहर निकल, क्योंकि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से वाकफियत हो गई कि हमें किस तरह से सताया जाता है। इस तरह से मैं फिर एक बार कहता हूँ कि चावल के स्टोर पर अब यहाँ कोई बहक नहीं जाएगा, यहाँ लोग समझ चुके हैं कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हेल्थ नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं जो गवर्नर साहब है उसे गुजारिश करना चाहूँगा, मैं तलत साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, इंटरवीन कीजिए इसमें, और उन लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखते हैं, वो भी इसमें खुदा के खौफ से डरे, इस तरह से लोगों को मुसीबत और मसाइब में न डाले। क्योंकि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी यहाँ, जो हमने फैसला किया था, मीटिंग की थी पहले हमने, और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे ट्रेड यूनियन बॉडीज़ के यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आगे ये बहुत बड़ा सैलाब बाहर आएगा, और फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।